हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने साइंस की वर्कशीट नंबर 33 लेकर आई हूँ, क्लास नाइन्थ की। बच्चों, ये त्वरण गति वेग वाला लेसन चल रहा है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ। यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा? इसका आंसर है शून्य होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू है, दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आंसर है बच्चों, वस्तु द्वारा तय की गई 2 मिनट में दूरी बराबर है 8 मीटर और वस्तु द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी 12 मीटर। तो वस्तु द्वारा 2 से 3 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी 12 घटा 8 बराबर 4 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है? आंसर है यह असमान त्वरण और मंदन गति दर्शाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति का वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। आंसर है ऊपर दिए गए ग्राफ संख्या 2। ग्राफ संख्या 2 है ना, उसमें देखो वस्तु की त्वरित गति को दर्शाता है वो ग्राफ, जबकि ग्राफ संख्या 3 वस्तु की मंदन गति को दर्शाता है। ठीक बच्चों, मैं इसकी आपको पिक्चर इसमें दिखा देती हूँ किस तरह से बना हुआ है। आपने क्या इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी वर्कशीट में दिया है आप उसमें से देख के बना सकते हैं। मैं भी आपको पिक्चर दे रही हूँ। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।